12 दिसंबर की दरमियानी रात को चोरों ने अनाज मंडी कस्टम गेट के पास आकाश मेडिकल पर धावा बोल दिया है। मेडिकल संचालक ने बताया कि 50,000 रुपए कैश एवं एक आईफोन 6 और कुछ खुले पैसे ले गए। सुबह जब मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने दुकान की आधी शटर खुली हुई देखी, तब मेडिकल संचालक आकाश खान को फोन करके पूछा कि दुकान पर कोई है या रात में कोई सो रहा है। उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल संचालक आकाश खान अपनी मेडिकल दुकान पर पहुंचा तो देखा कि चोरों ने दोनों ताले तोड़ दिए थे। देखा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मेडिकल संचालक ने डायल 100 को फोन किया, तब जाकर पुलिस वहां पहुंची। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? आकाश खान। क्या घटना हुई तुम्हारा? ये सुबह में 4 बजे आया था तो मेरी दुकान के दोनों ताले टूटे पड़े हुए थे और इसमें से अंदर से मेरा आईफोन मोबाइल 50,000। जानकारी किसने दी आपको? मुझे सुबह मंडी वालों ने बताया जब मैं यहाँ से आया था। मंडी वाले निकल रहे थे सुबह, मजदूरी के टाइम रहता है उनका, तो सुबह निकल रहे थे जब उन्होंने बताया कि आपकी दुकान शटर खुली हुई है आज ही, तो उन्होंने पूछा मुझसे कोई सो रहा है क्या उसमें। मैंने कहा नहीं, तो क्या तेरी शटर तो खुली है। तो मैं फिर घर से पकता हुआ आया, मैंने आके चेक करा तो मेरी दुकान आधी खुली हुई थी, आधी शटर खुली हुई थी। पैसे वगैरह थे क्या? पैसे थे ना, उसमें 50,000 रुपये थे और कुछ खुले ही पड़े थे, 10-10 के 20-20 के और 550 खुले थे। एक मोबाइल था आईफोन 6, वो भी ले गए और पैसे भी ले गए, सामान पूरा फैला पड़ा हुआ है अभी। नज़दीकी थाने में आपने कंप्लेंट की? हाँ, कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ। पुलिस आ गई थी? हाँ आ गई थी, अभी आ गई है, अभी आई है। जब मैंने कंट्रोल रूम फोन करा था भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।